हेलो फ्रेंड्स, मैं एकदम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपका मेरा सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में डीपी डालते हैं, तो व्हाट्सएप में डीपी डालते हुए देखिएगा फ्रेंड्स, आपका हाफ ही डीपी आता है, वो आपका फुल इमेज नहीं आता फ्रेंड्स। वो तो नीचे से पूरा नहीं आता या ऊपर से पूरा नहीं आता फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने व्हाट्सएप में डीपी अगर डालना चाहते हैं तो उसको किस फुल आप डीपी डाल सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा आप डीपी, आप जैसे चाहे वैसे डीपी डालना चाहते हैं। मान लीजिए कोई डीपी आपको अच्छा लग रहा है और उसमें से आपको क्रॉप करना पड़ रहा है, तो विथआउट क्रॉप आप डीपी को इजीली से डाल सकते हैं व्हाट्सएप में और आपको पूरा अच्छे तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से अंदर देखिए, तब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स किस कैसे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप में आप डीपी पूरा डाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू से अंदर देखिएगा फ्रेंड। वीडियो अगर पसंद है तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप व्हाट्सएप पर, मान लीजिए मेरे व्हाट्सएप पर ये वाला डीपी जैसे मेरे की आधा दिखा रहा, इसको मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए मेरा फुल नहीं आ रहा फ्रेंड्स। तो मैं इसको फुल कैसे लगाऊं अपने व्हाट्सएप डीपी पे, इसको फुल कैसे मैं लगाऊं फ्रेंड्स। तो ये मेरा ऐसा, अगर नीचे से लूँ तो मेरा ऊपर सर कट जा रहा है, या ऊपर से लूँ तो मेरा नीचे पूरा फुल नीचे नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आप इसको पूरा ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद पहले आप चल जाइए प्ले स्टोर पर फ्रेंड्स। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर लिखिए व्हाट्स क्रॉप फ्रेंड्स। ये व्हाट्स क्रॉप एप्लीकेशन का नाम है, इसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको व्हाट्स क्रॉप एप्लीकेशन का, इसका रेटिंग देखिए 4.5 है। आप इसके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 4.5 रेटिंग है आपका। और इसमें इसको इसका डाउनलोडिंग भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसका डाउनलोडिंग। तो आपने अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब चल रहे हैं इसको ओपन करके, मेरा इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इसको ओपन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर मेरा पूरा बैकग्राउंड ये आ गया है। अब कोई भी फोटो यहाँ पर, फोटो पे जाके आप कोई भी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेलेक्ट फोटो का ऑप्शन आ गया। अब कोई जो भी फोटो आप देना चाहते हैं, मान लीजिए जो फोटो को मैंने आपको दिखाया वो फोटो को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए इस फोटो को मैंने ले लिया फ्रेंड्स, तो ये फोटो मेरा इस तरह से आ गया। अब इसको मान लीजिए मैं बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पर कलर में या इमेज में आप कैसे भी दे सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। अरे बैकग्राउंड इमेज में बहुत तरह से आ रहा है, क्लियर आ रहा है, वॉल्स आ रहा है, ग्लिटर आ रहा है, क्लाउड। आप यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ रही है आपको, इसमें से कोई भी बैकग्राउंड आप अच्छे से अपना पसंदीदा बैकग्राउंड यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में, मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड में इसको सिलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से आ गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूँगा। आप बैकग्राउंड में कुछ भी अलग चूज़ करना चाहते हैं तो अलग चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जाके, या फिर फोटो फ्रेम कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे को ये बैकग्राउंड अच्छा लगा, आप अपने अनुसार अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए इसको मेरे को सेव करना है या फिर डीपी में लगाना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सेव करके, सेव का आपको यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, सेव के यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेंड टू, यहाँ पर प्रोफाइल आ रहा होगा आपका, सेंड टू प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड। यहाँ पर कुछ मेरा ऐड चलने लगा फ्रेंड्स, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मान देखिए मेरा यहाँ पर डीपी आ गया है फ्रेंड्स, ये डीपी मेरा व्हाट्सएप का डीपी आ गया। अब इसको मैं डन कर देता हूँ, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स किस तरह से मेरा ये डीपी पूरा आ गया है व्हाट्सएप पे, ये मेरा डीपी फुल हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग इसको और भी अगर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप इसको बैकग्राउंड में और भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बैकग्राउंड में बहुत तरह की इसमें है, जैसे कि मैं एडिट पर दोबारा जाता हूँ। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में आप यहाँ पर ब्लर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको ब्लर भी इसी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर इसको आप कलर में डालना चाहते हैं तो कलर में कोई भी आप कलर चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ही इसको ब्लू कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरा पूरा ब्लू हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पर कलर में, इमेज को जैसे बताया था, इमेज में फ़ोटो फ्रेम में आप जाना चाहते हैं तो फ़ोटो फ्रेम से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए मेरा इस तरह से अलग अलग आ रहा है, तो मैं कोई एक फ़ोटो फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। मान लीजिए मैंने इस फोटो फ्रेम को चूज़ कर लिया। अब देखिए मेरा यहाँ पर इस तरह से कुछ आ गया है फ़ोटो फ्रेम, इसमें से जो अच्छा लगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद कितना बढ़िया तरीके से आ गया है फ्रेंड्स ये मेरा। इसको अब मैं मान लीजिए व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ, सेंड टू प्रोफाइल करूँगा मैं फ्रेंड्स। फिर से मेरा कुछ ऐड चलने लगा, क्लोज कर देता हूँ इसको।
रिसेंट हुई इस तरह से मेरा ये डीपी सेलेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। ये मेरा व्हाट्सएप का डीपी पूरा ले लिया है, पूरा फुल आ गया है। इसको मैं डन करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक चेंज होकर डन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो ये एप्लीकेशन। तो आप लोग भी जाके इस एप्लीकेशन में अपना वो व्हाट्सएप फुल डीपी डाल सकते हैं, अपना पूरा व्हाट्सएप की फुल डीपी को लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।